नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दीपावली का त्योहार नजदीक है व रीवा में दीपावली बड़े धूम धाम से मनाई भी जाती है। इस मौके पर बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है, जहां लोग अपने अपने परिवार के साथ बाजार पहुंचकर तरह तरह की खरीददारी करते हैं। हालांकि जनता को बाजार आने जाने व खरीददारी करने में परेशानी न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। दीपावली में पटाखों को खास महत्व दिया जाता है। इस मौके पर लोग पटाखों की जमकर खरीददारी भी करते हैं व आतिशबाजी भी करते हैं। पटाखों की खरीद फरोख्त के लिए भी स्थानीय प्रशासन द्वारा विधिवत व्यवस्था की जाती है व इसके लिए एक सुरक्षित स्थान निश्चित करके पटाखों की दुकान लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ताकि लोग आसानी से पटाखे खरीद कर आतिशबाजी कर सकें। लेकिन रीवा शहर में ही कुछ ऐसे पटाखा व्यापारी भी हैं, जो प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर मनमानी तरीके से पटाखे की दुकान लगाते हैं व जनता को जोखिम में डालते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा शहर गुढ़ाई बाजार का है, जहां कुछ पटाखा व्यापारी अपनी जेब भरने के लिए बीच बाजार में पटाखा की दुकान सजाकर पटाखा बेच रहे हैं व दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इन्हें न तो पुलिस का भय है और न ही प्रशासन का। इनका कहना है कि हम आवाज करने वाले विस्फोटक पटाखे नहीं बेचते हैं, केवल टिकिया, फुलझड़ी व रॉकेट जैसे आतिशबाजी के सामान बेच रहे हैं। एक बार इनकी बात मान भी ली जाए, ये विस्फोटक पटाखे का विक्रय नहीं करते हैं, फिर भी आतिशबाजी का सामान सार्वजनिक स्थल पर बेचना भी तो अवैध है। अगर इनकी बात मानकर इन्हें छूट दे दी गई तो इनकी नकल अन्य लोग भी करेंगे व जगह जगह इस तरह की दुकानें लगनी शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर पटाखा व्यापारी सच बोल रहे हैं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ऐसे पटाखा व्यापारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है, यह कहना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात अवश्य कही जा सकती है कि बिना किसी संरक्षण ये व्यापारी इस तरह भीड़ भाड़ साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में खुले आम पटाखा बिक्री करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। मामला चाहे जो हो, यह अवश्य कहा जा सकता है कि जेब भरने के चक्कर में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देते इन व्यापारियों की अवैध बिक्री बंद नहीं कराई गई तो कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। देखिए रीवा से हमारे संवाददाता इसराइल खान की ये रिपोर्ट।